तो दोस्तों ये है माय सरजी वेबकास्ट सीजन 2 और सीजन 1 को आपने काफी पसंद किया था और उसमें था एक लर्न एंड अर्न का कॉन्टेस्ट जिसमें हर बार हर वेबकास्ट में किसी एक व्यक्ति को माय सरजी की तरफ से मिलता था गिफ्ट। दोस्तों इस सीजन में भी आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग हम लेकर आए हैं, इसको हम बोल रहे हैं वेबकास्ट क्विज। ये क्या है कॉन्टेस्ट, आइए मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इस कॉन्टेस्ट में बेसिकली होना यह है कि आपको मिलने वाला है premium.mysurgery.com पे अवेलेबल माय सरजी के प्रीमियम कोर्सेज पर हैवी डिस्काउंट। इनफैक्ट कुछ लोगों को हो सकता है 100% डिस्काउंट भी मिले। अगर 100% नहीं मिला तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको 50% या 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो पूरी प्रक्रिया क्या है आइए मैं समझा देता हूं। आपको मेरी वेबसाइट पर जाना है premium.mysurgery.com और अगर अभी तक आपने वहां पर अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको साइन अप करना है। ये साइन अप एब्सोल्युटली फ्री है। साइन अप जब आप करते हैं तो आप अपना ईमेल आईडी लिखते हैं, वो ईमेल आईडी जो वैलिड है। इस ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हुए आपने ये अकाउंट बनाया, जो भी पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। आपको एक मेल हमारी तरफ से पहुंचेगा जिसमें होगा वेरिफिकेशन लिंक जिससे आपका ईमेल अकाउंट वेरीफाई होगा। आपने जैसे उसको क्लिक करा आपका डेटा हमारे पास है। क्या डेटा है हमारे पास? आपका ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर। बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं, आपको कमेंट सेक्शन में, इस वेबकास्ट के कमेंट सेक्शन में जो भी कमेंट करना हो आप करिए। वेबकास्ट के बारे में अच्छा बोलना है बुरा बोलना है कुछ भी जो भी आपको फील होता है वो आप लिख सकते हैं। साथ में आप जरूर लिखें अपना ईमेल आईडी। यदि आप ईमेल आईडी शेयर करते हैं कमेंट सेक्शन पे हमसे तो मैं क्या करने वाला हूं, आप में से रैंडमली एक से ज्यादा कुछ लोगों को मैं कॉल करूंगा। रैंडमली जिन लोगों ने ईमेल आईडी मेंशन करा होगा उनको मैं कॉल करूंगा। कॉल कैसे करूंगा, तो ईमेल आईडी आपने अगर मुझे दिया, आपको फोन नंबर यहां कमेंट सेक्शन पे शेयर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपने क्योंकि ईमेल आईडी दिया होगा और मेरे पास आपका डेटा होगा क्योंकि आपने प्रीमियम साइट पे रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, तो वहां से मुझे आपका फोन नंबर मिल जाएगा, उससे मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। यस, मैं खुद आपको कॉल करूंगा और मैं आपको 3 सवाल पूछूंगा आज ही की वेबकास्ट से रिलेटेड। ये 3 सवाल या तो वेबकास्ट से रिलेटेड होंगे या ओवरऑल माय सरजी से रिलेटेड होंगे। तो जब आप इन 3 सिंपल बहुत सिंपल सवाल होंगे इनके जवाब देते हैं तो आपको मिलेगा डिस्काउंट ऑफर। अब प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि मैं फोन पे आपसे 3 सवाल पूछूंगा, वो 3 सवाल अगर तीनों के जवाब आपने सही दिया तो आपको मिलेगा 100% डिस्काउंट ऑन एनी वन कोर्स ऑफ premium.mysurgery.com। तो ये एक बहुत सुनहरा अवसर है। लेकिन अगर आप 3 सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं सही, केवल 2 के सही जवाब देते हैं तो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा 50% का, और अगर एक ही सवाल का सही जवाब मिला तो 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा। लेकिन एक भी सवाल का जवाब सही नहीं रहा तो कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये हर वेबकास्ट में होने वाला है। तो फिर दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से प्रीमियम साइट पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और उसके बाद फिर यहां पर कमेंट करिए, साथ में अपना ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिए और हो सकता है कि मैं आपको आज ही कॉल कर लूं या कल कॉल कर लूं, और जब मैं कॉल करूंगा तो मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा और उसके बाद आपने सही जवाब दिए तो आपको मिल सकता है 100% डिस्काउंट में कोई भी एक कोर्स प्रीमियम साइट पर। तो बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अमित मुद्गल। अमित पिछले 16 साल से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फिलहाल वे जापान में एंटिटी डेटा कंपनी में काम करते हैं। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई कंपनीज में अलग अलग प्रोफाइल पर काम किया है। अभी वे हडूप और बिग डेटा से संबंधित प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। उनके इसी अनुभव का लाभ आज माय सरजी के दर्शकों को मिलेगा। अमित एक बहुत अच्छे स्केच आर्टिस्ट भी हैं, इसके अलावा वे नेचर फोटोग्राफी में भी खासी रुचि रखते हैं। तो आइए मिलते हैं अमित से। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि मैंने वादा किया था आज की वेबकास्ट में हमारे साथ एक और गेस्ट हाजिर हैं, और हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं वो है मिस्टर अमित मुद्गल, जो कि अभी जापान में काम कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत समय से काम कर चुके हैं। तो आज हम उनके एक्सपीरियंस का लाभ उठाने वाले हैं। वेलकम अमित। थैंक यू सौरभ, एंड आई व्यूअर्स, आई विश कि आप लोग अभी सब घर में होंगे, सेफ होंगे और रूल्स फॉलो कर रहे होंगे। हाँ, लॉकडाउन का माहौल चल रहा है और बहुत, मेरे ख्याल से जापान की स्थिति इंडिया से तो बेटर ही है, वहां भी लॉकडाउन है क्या?
जी, जापान में लॉकडाउन इंडिया जैसा नहीं है, लेकिन लोग काफी डिसिप्लिन्ड हैं और खुद ही उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन किया है, सोशल डिस्टेंसिंग रखी है, गवर्नमेंट की तरफ से भी मेजर्स हैं और स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगी हुई है। तो जैसे सब जगह लोग काफी एहतियात बरत रहे हैं, वैसे यहाँ पे भी लोग कर रहे हैं, एंड होपफुली ये जल्दी ठीक हो जाए। हाँ बिल्कुल, फिंगर क्रॉस। चलिए, आज हम लोग जो बातचीत करना चाह रहे हैं, बेसिकली हम आपके एक्सपीरियंस का लाभ उठाना चाह रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को सबसे पहले ये बताइए कि आपका अभी करंट प्रोफाइल क्या है और आप किन-किन प्रोफाइल्स पे काम कर चुके हैं अपने करियर में। तो सौरभ, वैसा है, माय कैरियर स्पैन्स अराउंड 16 इयर्स। तो मैंने कई प्रोफाइल्स पे काम किया है और ऑब्वियसली मैंने एक जूनियर लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह आईटी इंडस्ट्री में एंट्री की थी। तो मैंने कई रोल्स किए हैं, मैंने धीरे धीरे लैडर पे ऊपर गया हूँ। मैंने सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लीड टेक्निकल एनालिस्ट, मैंने आर्किटेक्ट, डिजाइनर, इवन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, ऑनसाइट कोऑर्डिनेटर, प्रोजेक्ट मैनेजर और इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, हर तरह के रोल किए हैं। राइट नाउ मैं जापान में एनटीटी डेटा के लिए काम करता हूँ, वो मेरी कंपनी है जिसमें मैं पिछले 8-9 सालों से एम्प्लॉयड हूँ, और अभी उसके जापान उसका मेन हेडक्वार्टर है, यही काम कर रहा हूँ। और अभी मैं बिग डेटा और हडूप के फील्ड में काम कर रहा हूँ, वो जॉब की मेरे लिए नया फील्ड है। अभी मैं मुझे मुश्किल से 7-8 महीने हुए हैं, तो अभी एक लर्निंग फेज चल रहा है। लेकिन मेरा रोल ये है कि हमारे हमारा जो टीम है उसके पास बहुत सारे दूसरी कंट्रीज से RFPs आती हैं, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स आते हैं, कि उनको उनका जो आउटडेटेड सिस्टम है वो अब डेटा हैंडल नहीं कर पा रहा है, डेटा का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, वो उसको एनालाइज नहीं कर पाते। तो हाउ कैन दे स्विच टू बिग डेटा। सो उसमें हम लोग हमारा कंट्रीब्यूशन देते हैं और उसमें उनको सजेशंस देते हैं कि क्या ठीक रहेगा, क्लस्टर कैसा होना चाहिए, डेटा कैसे प्रोसेस होगा, कहाँ से डेटा आ रहा है, उससे हम क्या आउटपुट्स दे सकते हैं, एक्सेट्रा। तो ये मेरा करंट प्रोफाइल है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मैंने कई अलग अलग प्रोफाइल्स पे काम किया है, तो मुझे हर हर अलग अलग रोल का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है। तो आपने इतनी फैसिनेटिंग प्रोफाइल टर्मलॉजीज को यूज किया हुआ है जो हमारे दर्शकों में बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि ये हमारी ड्रीम जॉब हो। तो स्पेशली आप जैसे कि एक मध्य प्रदेश के एक बहुत स्मॉल सिटी जिसका नाम है खरगोन, वहां से बिलोंग करते हैं, वहीं आपने इंजीनियरिंग भी कंप्लीट करी हुई है। और उसके बाद क्योंकि हम देखते हैं कि कॉलेज कैंपस बहुत सारे कॉलेजेस में टच नहीं कर पाता है उस स्तर पे, और अगर हम आज से 16-17 साल पुरानी बातचीत करें तो माहौल आज तो फिर भी ठीक है कि चलिए बहुत जगह कैंपस आ रहा है, उस दौर में तो उतना कैंपस भी नहीं आता था। तो फिर आपके लिए कितना मुश्किल रही ये जर्नी आज जिस मुकाम पे आप पहुंचे हैं, और क्या कॉलेज कैंपस के थ्रू आपका सिलेक्शन हुआ था या उसके बाद आप पहुंचे? जी नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उस समय एक ऐसा समय था जब हमारे यहाँ अपनी जागरूकता नहीं थी, उतना नॉलेज नहीं था, इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी और कंपनीज तो बिल्कुल भी आती नहीं थी। और जैसे कि आपने सही कहा कि मैं एक बहुत छोटे कॉलेज से था जिसका नाम भी इवन MP में भी कई लोगों को नहीं पता। तो आसान तो नहीं था, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे आपको करना पड़ेगा। और ये मैं अपने सभी व्यूअर्स को भी कहूंगा कि सीधे बड़ी जंप मारने के बारे में ना सोचें। तो हमने जो किया था वो ये था कि सबसे पहले तो जब हम फाइनल ईयर तक पहुंचे तो हमने ये पता करना शुरू किया कि IT होती कैसी है, किस पे काम करती है, उन्हें क्या चाहिए, कि कहीं मैं गलत जगह तो हमारा मेरा सारा अटेंशन नहीं दे रहा हूँ, कहीं मैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या वो स्किल्स तो नहीं बढ़ा रहा जिनकी जरूरत ही नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल कि तब हमें पता चला कि जावा बहुत मार्केट में चल रहा है, और हमारे कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने कुछ कम ज्यादा नहीं थे, 4-5 ही सीनियर्स थे जो जो किसी IT कंपनी में जा पाए थे, तो उन्होंने बताया कि क्या होता है, किन क्या गैप है हमारे एजुकेशन में और रियल वर्ल्ड में। तो पता चला कि हमें हमारा सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं बढ़ाना है, हमें हमारा प्रेजेंटेशन बढ़ाना है, हमारा कम्युनिकेशन बढ़ाना है, हमारा एप्टीट्यूड बढ़ाना है, और सबसे इम्पोर्टेंट एटीट्यूड बढ़ाना है कि हमें क्या करना है और हमें सक्सेसफुल होना है। तो फिर मैंने शुरुआत करी
जावा को के से रिलेटेड जो भी चीजें थी, जावा प्रोग्रामिंग इटसेल्फ, उसके बाद डेटाबेस, फिर फ्रंट एंड पे HTML, CSS, ये सब चीजों को पढ़ा। उसके बाद मैंने सन सर्टिफाइड एग्जाम भी दिया, SCGP मैंने किया था। उस समय से SCGP कहा जाता था, आज प्रशांत ओरेकल OCGP। हाँ वो करेक्ट। तो तब मैंने SCGP किया था, एंड कुछ टाइम मैंने अपने ही कॉलेज में पढ़ाया भी है, करीब 1 साल, चूंकि मार्केट पर ट्राई था। क्या सब्जेक्ट्स लेते थे लेकिन उस समय आप? जी, मैं उस समय मैंने नेटवर्किंग पढ़ाया है, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया है, और कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ाया है। तो शायद मैंने कंप्यूटर ग्राफिक्स 2 बार बोला, राइट? नेटवर्किंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, तो ये कुछ सब्जेक्ट्स थे। तो इनसे फायदा ये हुआ कि मेरा बेस काफी और स्ट्रांग हुआ। लेकिन वो जो 1-1.5 साल था, उसमें जैसे कि मैंने कहा कि मैं तैयारी कर रहा था कि कैसे मैं नेक्स्ट स्टेप लूँ, तो उसी दौरान मैंने SCGP किया, दवा सीखा, और खाली समय में जावा के प्रैक्टिस की। और उसके बाद फिर मैं पूना गया। पूना में बहुत सारे इंटरव्यूज दिए और ऑफर्स बहुत खराब होते थे। एक्सपीरियंस शुरू में थोड़ा सा खराब था, वो ज्यादातर कॉन्फिडेंस के कारण था। जो कि हम छोटे प्लेस से जब आते हैं तो हमारा मेंटल ब्लॉक होता है, प्रॉब्लम हमारे अंदर नहीं होती लेकिन हमको लगता है कि प्रॉब्लम। तो शुरू में लगा कि इंटरव्यू क्रैक हो सकता था, लेकिन मैंने ठीक से किया नहीं। लेकिन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ा, और एक बहुत ही छोटी सी कंपनी थी, 25-30 लोगों की मुश्किल से, सुमा सॉफ्ट नाम की, उसमें मुझे बहुत ही मॉडेस्ट सैलरी पे जॉब मिला। लेकिन मैं खुश था उससे, क्योंकि कहते हैं ना, फुट इन द डोर, यू नीड टू हैव योर फुट इन द डोर। तो आई हैड माय फुट इन द डोर, एंड देन फ्रॉम देयर एक एक करके फिर कंपनीज बदली, नॉलेज गेन किया, देखा कि एक्चुअली IT कैसे काम करता है, क्या चीजें होती हैं, और ये भी सीखा कि सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं होती है, और भी बहुत कुछ होता है जो आपको सीखना चाहिए। वो सब सीखा और धीरे धीरे करके आगे बढ़े। तो मैं सभी को ये कहूंगा कि अपना स्किल्स तो आप, उसके उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। आप, यू कैन नॉट गो टू द वॉर विदाउट द एमिनेशन, यू नीड द एमिनेशन। बट तो इसीलिए बाकी इस चीज से हताश होने की जरूरत नहीं कि छोटी प्लेस से हैं, क्योंकि मैं जहां तक जानता हूँ, मेरे कॉलेज के सभी, मेरे जो साथी स्टूडेंट्स थे, वो सभी छोटी जगहों के थे। मुश्किल से एक दो ही थे जो कोई बड़ी जगह से आया था, लेकिन सब अच्छी जगहों पे हैं, अब अच्छे से काम कर रहे हैं। तो छोटी जगह तो किसी भी हिसाब से आपके लिए बाधा नहीं है, आपको सिर्फ खुद से ही जीतना है। अगर बिल्कुल ज्यादा सही बात। फिलोसफिकली बोलूं तो खुद से ही जीतना है, अपने 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 अंदर के डिमन्स को हराना है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, अपना एटीट्यूड ठीक करना है। तो अगर ये सब किया जाए तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि तब के समय में सबसे चैलेंजिंग बात यह थी कि इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिले। वो जो हम बार बार ढूंढते थे कि क्या करना है हमको, कैसे करना है। ठीक है, हम मेहनत करने को तैयार है, सब लोग यही बोलते हैं कि हम मेहनत कितनी भी कर लेंगे, लेकिन किस चीज पे मेहनत करनी है वो जानकारी मिलना बहुत मुश्किल होता है। और मैं समझ सकता हूँ कि वो दौर कैसा रहा होगा, वो काफी टफ टाइम रहा होगा, और उस समय कॉन्फिडेंस बनाए रखना, अपने आप को मोटिवेटेड रखना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और ये बात आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, सभी लोग जो सुन रहे हैं वो इस बात को हाईलाइट करें कि सबसे पहले आप कहीं काम करना स्टार्ट कर दें, ये ना देखें कि वो बहुत बड़ी कंपनी है या नहीं है। कई बार ऐसा नहीं है कि आप बड़ी कंपनी में नहीं जा सकते, लेकिन हो सकता है कि वो फर्स्ट कंपनी ना हो आपकी, लेकिन आप सेकेंड थर्ड स्विच करके जा सकते हो अगर आपको रास्ता मिल गया तो। लेकिन कई बार हम गैप कर देते हैं, पहली जॉब नहीं हासिल करते, पहली जॉब में हम 3-4 साल लगा देते हैं, वो शायद हमारे लिए ज्यादा मुश्किल खड़ी कर देता है। तो बिल्कुल अभी सही। आप, अभी जैसे आप जापान में हैं और काफी समय से मैं देख रहा हूं कि आप जापान में हैं, और दिस इज नॉट योर फर्स्ट विजिट टू जापान, आप पहले भी जा चुके हैं। क्या फर्क नजर आता है वर्किंग कल्चर में, वहां के लोगों में, एनवायरमेंट में? क्या आपको ज्यादा एडमायर करता है जापान के बारे में? बिल्कुल सौरभ, डिफरेंस बहुत है हिंदुस्तान के वर्किंग स्टाइल में और जापान के वर्किंग स्टाइल में। हिंदुस्तान का वर्किंग स्टाइल बिल्कुल यूनिक है। हम ये भी नहीं कह सकते कि वो US जैसा है या UK जैसा है। जापान में सबसे ज्यादा तो एक चीज है कि लोग काफी टाइम डालते हैं, वर्क आवर्स बहुत लंबे होते हैं, और तो लोग, मतलब
ये मैं बुराई करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इससे ये मतलब निकलता है कि पीपल डिवोट अ लॉट ऑफ टाइम टू देयर वर्क। हालांकि ठीक है उससे वर्क लाइफ बैलेंस में थोड़ा सा चेंज आता है, लेकिन लोग काफी यहाँ पे डेडिकेटेड होते हैं, जैसे कि लंच आवर्स या टी ब्रेक्स और ये सब ज्यादा नहीं होता, काफी करते हैं। और ये तो खैर छोटी बात है, लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस जापान में है वो है अटेंशन टू डिटेल। वो अगर हमारे यहाँ कोई काम मिला है, सपोज आपको एक वर्क पैकेट मिला है, तो हमारे यहाँ थोड़ी सी जल्दबाजी होती है उसे फिनिश करने की। हमारे पास डेडलाइन पहले से होती है, हमारे पास प्रेशर पहले से होता है कि ये खत्म करना है इस टाइम तक। तो हम कहीं पे क्वालिटी में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान ऐसा नहीं है कि जापानीज लोग दुनिया में इतने आगे हैं इसलिए बिकॉज उनमें हमसे ज्यादा समझदारी है, ज्यादा इंटेलिजेंस है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो अटेंशन टू डिटेल काफी करते हैं, वो कोई भी वर्क पैकेट लेते हैं उसको अच्छे से स्क्रूटनाइज करते हैं, उसमें डिजाइन में काफी टाइम लगाते हैं। भले ही वो काम हम 4 दिन में कर सकते हैं, लेकिन वो शायद 40 दिन में करेंगे। ये थोड़ी अतिशयोक्ति होगी, 40 नहीं, वो 10 में करेंगे। लेकिन 10 दिन के बाद आप ये गारंटी दे सकते हैं कि उसके फेलियर के चांसेस बहुत कम होंगे। तो ये एक अंतर है। तो जहां यूएस, यूके और रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, जहां हम स्पीड कहते हैं, टाइम टू मार्केट एक टर्म होती है आईटी में, कि कितने जल्दी आप मार्केट में अपना प्रोडक्ट ला सकते हो, अपनी सर्विसेज ला सकते हो, तो उसकी एक रेस होती है। जापान में वो नहीं है, वो थोड़ा सा स्लो है। एक और जो बड़ी बात है, जापानीज लोग बिल्कुल भी आपकी स्किल पे नहीं जाते। वो आपसे बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि आपको जावा आता है कि पाइथन आता है कि नहीं, या आपने सी शार्प किया है कि नहीं, या आपने दुनिया भर के और जितने फ्रेमवर्क है वो आपको आते हैं कि नहीं। दे आर नॉट वरीड अबाउट दैट। व्हाट दे आर वरीड अबाउट इज योर एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है, इफ यू आर विलिंग टू लर्न, इफ यू आर विलिंग टू पुट आवर्स इन टू वर्क, और जो उनके कल्चर है, अटेंशन टू डिटेल, पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी, अगर ये सब आप फॉलो करते हो, तो दे एक्चुअली डू नॉट बॉदर अबाउट योर स्किल्स। उनको कोई ऐसा इंसान नहीं चाहिए जिसे हजारों चीजें आती हों लेकिन वो उनके हिसाब से ना करे। उसे एक वो इंसान चाहिए जिसे एक ही चीज आती है लेकिन वो अच्छे से करे और उनके हिसाब से करे। तो ये बहुत डिफरेंस है, मतलब और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो बताना शायद टाइम कम पड़ जाएगा, इसलिए मैं यही रुकता हूँ। लेकिन हाँ, मेंटेलिटी का बहुत फर्क है यहाँ के कल्चर में हमारे कल्चर में। नहीं, आपने बहुत अच्छी तरीके से इस बात को एक्सप्लेन करा है, बिकॉज ये एक तरह के इंस्पिरेशनल बात है कि जो हमें जापान के वर्किंग कल्चर से सीखनी चाहिए। हम वाकई में बिना डेडलाइन के काम ही नहीं कर सकते। मतलब ये एक आदत पड़ चुकी है कि हमें पहले डेडलाइन दो, अगर डेडलाइन नहीं होगी तो हम बहुत फैल के काम कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि हम टाइम ले रहे हैं तो हम उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बल्कि हमारे काम करने का स्टाइल वही रहेगा, चाहे हम 4 दिन में करें चाहे 40 दिन में करें। तो ये बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि ये सभी लोगों को सीखना चाहिए, और जापान हमेशा से एक एग्जाम्पल रहा है वर्ल्ड के सामने वर्किंग कल्चर के हिसाब से। दे आर वेरी डिलिजेंट टू देयर वर्क। एंड स्पेशली एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मेरे से पूछते हैं ये चीज कि हमारी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, और इट इज ऑब्वियस बिकॉज कई सारे स्कूल्स हमारे यहाँ ऐसे, अगर हम कुछ सिटीज को छोड़ दें तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी हिंदी में ही पढ़ाया जाता है, घर में हिंदी में बात हो रही है या रीजनल लैंग्वेज में बात हो रही है, तो जो अपब्रिंगिंग होती है उसमें इंग्लिश उस स्तर पे नहीं आ पाती है। देन स्टूडेंट ने भी कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि हम इंग्लिश अलग से आउट ऑफ द वे जाके एफर्ट्स डाल के सीखें। अब वो कॉलेज में आ चुका है, कॉलेज में जैसे तैसे करके वो इंग्लिश में लेक्चर सुन रहा है, आधा अधूरा समझ रहा है। अभी मैंने हिंदी में कॉन्टेंट बनाया, चलो ठीक है, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल गया, लेकिन दिस इज नॉट द एंड ऑफ द प्रॉब्लम। यू हैव टू वर्क इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आपको वहां पे इंग्लिश का सामना करना पड़ता है। अब आप तो एक तीसरी लैंग्वेज जैपनीज को भी फेस कर रहे हो, तो ये कितना आसान है एक स्टूडेंट के लिए कि वो नेचुरल लैंग्वेज में भी इतनी आसानी से स्विचिंग कर सके। उसे टेक्निकल तो सीखना ही सीखना है, वो हिंदी के बाद फिर इंग्लिश भी सीखे फिर जैपनीज भी सीखे। तो क्या आपने जैपनीज सीखनी पड़ी आपको जापान जाने के लिए? सीखनी पड़ी नहीं, यहाँ मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं जिनको बिल्कुल जापानीज नहीं आती। मुझे खुद पर्सनल इंटरेस्ट था इसलिए मैंने थोड़ा एक लेवल तक, 2 लेवल तक मैंने थोड़ा सीखा, इतना कि मैं स्ट्रीट्स पे काम चला लूँ, अपना बेसिक मैं क्या पूछना चाहता हूँ या कोई क्या कह रहा है इतना बेसिक समझ जाऊँ। लेकिन जिस तरह हम बात कर रहे हैं उस तरह मैं किसी जापानीज इंसान से बात नहीं कर सकता। तो मैं आपको ये इंग्लिश पे भी टच करूंगा कि
हाँ, हमारे यहाँ जैसे जब मैं पहले आंसर में मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस जो हम हमको लगता है कि हमारा हमसे नहीं होगा, वी आर नॉट वर्दी ऑफ दिस पर्टिकुलर जॉब बिकॉज हमें इंग्लिश नहीं आती है, हमें और कोई दूसरा इशू है. इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं है, या रादर मैं ये कहूंगा कि कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है. कोई भाषा में बात करना इज नॉट कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का मतलब होता है सुनना, खुद को एक्सप्रेस करना. खासतौर पर अगर आप इंडिया में हैं, आईटी कंपनी में हैं, तो आपका काम बहुत मैटर करता है. हो सकता है आपकी इंग्लिश वीक हो, लेकिन आप आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके अचीवमेंट्स हैं, या जो भी आपके इम्पेडिमेंट्स हैं जिनके कारण आपके काम में बाधा आ रही है, अगर वो आप किसी भी भाषा में, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जापानीज, किसी में भी अगर आप ठीक से एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने सुपीरियर्स को प्रॉपर कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको लूप में रख सकते हैं, तो ज्यादा प्रॉब्लम शुरू में नहीं आती. लेकिन हाँ, इंग्लिश भले ही हमारी अपब्रिंगिंग में ना हो, लेकिन हमारे देश में इंग्लिश काफी चलती है, काफी यूज होती है. आम भाषा में भी हम काफी टर्म्स यूज करते हैं, तो मेरे ख्याल से सीखना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए. उसके लिए हमेशा एक माइंड में एक डोर ओपन होना चाहिए कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो इम्प्रूव की जा सकती है. कई लोग हैं, मैं भी हूं उनमें से, जिनसे जो इतने फ्लुएंटली शायद नहीं बोलता था पहले, लेकिन धीरे धीरे जब एक्सपोजर मिलता है और आप अगर आप सीखना चाहते हो तो आप कर सकते हो. तो इंग्लिश बिल्कुल मैटर नहीं करता. अगर आपको नहीं आती है तो वो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते. इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूंगा कि मेरे तो कई ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जो 15-20 ईयर्स से आईटी में हैं, बट स्टिल दे डोंट स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, बट इट डजंट स्टॉप देम because their work speaks for them. तो वो बहुत बड़ा इशू नहीं है कहीं भी. और सेम थिंग जापान में भी अप्लाई होती है. मुझे जापानीज बहुत नहीं आती, लेकिन मुझे मेरा काम आता है, तो अगर मैं अपना काम कर सकता हूँ तो जापानीज को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. एंड देर आर पीपल हु कैन स्पीक इन बोथ इंग्लिश एंड जापानीज, तो थ्रू देम आई कैन कम्युनिकेट वट एवर आई वॉन्ट टू, तो वो इतनी बड़ी बाधा नहीं है. ओके, चलिए, ये एक मोटिवेशन है कई सारे स्टूडेंट्स के लिए जो उनकी चिंता थी कि इंग्लिश से क्या हम रुक जाएगा हमारा करियर में आगे ग्रोथ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. और मेरे ख्याल से थोड़ी सी माहौल की बात भी है. आप इंडिया में रहकर जापानीज उतनी नहीं सीख सकते जितना जापान में रहकर आप जापानीज सीख सकते हो. सेम इज द केस विद इंग्लिश ऑल्सो. अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे तो वहां सभी लोग अगर इंग्लिश में बात कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली आप भी इंग्लिश में भले जैसी भी है कम्युनिकेट तो कर ही लोगे. सो दिस इज ग्रेट. अभी एक चीज और मैं आपसे समझना चाह रहा था, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं लेकिन वो कहते हैं कि हम लोग लेट्स से वो नेटवर्किंग में काम कर रहे हैं, हो सकता है वो बीपीओ में काम कर रहे हो, उनका प्रोफाइल प्रोग्रामिंग का प्रोफाइल नहीं है एंड दे वांट टू स्विच. सो हाउ इजी इट इज टू स्विच फ्रॉम वन प्रोफाइल विच इज नॉन प्रोग्रामिंग प्रोफाइल टू प्रोग्रामिंग प्रोफाइल इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड? इट इज डिफिकल्ट एक्चुअली, बट नॉट इम्पॉसिबल. क्योंकि आप जानते हैं कि नेटवर्किंग में अलग माइंडसेट है, प्रॉब्लम्स अलग है, चैलेंजेस अलग है, उनके सॉल्यूशंस अलग है. आईटी हर एवरी पीस ऑफ कोड दैट यू राइट इज अ काइंड ऑफ अ पजल, इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ पजल सिनेरियो व्हिच यू हैव टू सॉल्व. तो अगर वो माइंडसेट है, अगेन एप्टीट्यूड मैटर करता है, अगर वो माइंडसेट है एंड इफ यू कैन पिक अप द स्किल्स एंड यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्विच, यू शुड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़ी बाधा है. हाँ, कंपनी कल्चर्स पर भी डिपेंड करता है. कई बार लोगों का कुछ मेंटल ब्लॉकेज होता है कि वो ऐसे लोगों को शायद चांस ना दे. कि कई लोग नेटवर्किंग से प्रोग्रामिंग तो नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा जो ज्यादा स्विचेस मैंने देखे हैं वो देखे मैंने टेस्टिंग टू डेवलपमेंट, डेवलपमेंट टू टेस्टिंग. तो वहां कई बार कुछ कंपनीज के कल्चर पर डिपेंड कर सकता है जहां वो ये एनकरेज नहीं करते, लेकिन मैंने ऐसी भी कंपनीज देखी है जहां ये बहुत एनकरेज किया जाता है. आपको पता होना चाहिए कि टेस्टिंग के एंगल से मुझे मेरे सॉफ्टवेयर को कैसे देखना है, मेरे वर्क को कैसे देखना है, और एज अ डेवलपर मुझे वो कैसे देखना है. तो ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि ये इजी है कि नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा अगर आपके पास चांस है तो आप डाइवर्स प्रोफाइल्स में काम जरूर करिए. ओके, अभी मेरे पास एक बहुत ही फनी क्वेश्चन अक्सर पूछा गया, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैंने उसको अपने तरीके से आंसर भी किया हुआ है कई बार, लेकिन मैं आपसे भी वही, आपके सामने भी वही क्वेश्चन रखता हूँ, देखते हैं आपका क्या इसमें राय बनती है.
लोग ये बोलते हैं कि आईटी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ेगा। तो यार हम कितना पढ़ेंगे, कब तक पढ़ते रहेंगे? अभी मैंने एक लैंग्वेज सीखी, अब मैं फिर कोई दूसरी लैंग्वेज आ गई तो फिर क्या होगा मेरा? तो इस तरीके से लोग बड़े वरीड होके पहली लैंग्वेज ही नहीं सीख रहे होते हैं, उसी में स्ट्रगल कर रहे होते हैं और उसी वक्त ये क्वेश्चन उनके दिमाग में आता है। तो ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे? तो हाँ, तो आपका जो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन है कि बिल्कुल सही बात है, आप एक लैंग्वेज सीख के 25 साल तक इस इंडस्ट्री में नहीं रहे। सिर्फ जावा की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मेरा जावा में एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो अगर मैं जावा की बात करूं तो जब मैंने शुरू किया था तब चलता था स्विंग या फिर एप्लेट्स, कुछ दिनों बाद जेएसपीज एंड सर्वलेट्स हो गए, फिर स्ट्रट्स हो गया, उसके बाद कुछ और हो गया, फिर स्प्रिंग आ गया, फिर स्प्रिंग में फिर स्प्रिंग बूट आ गया और ये आ गया वो आ गया। अगर आप सिर्फ जावा की बात भी करें तो आप एक फ्रेमवर्क पे नहीं रह सकते। तो टेक्नोलॉजी तो चीज ही ऐसी है कि एडवांसमेंट के साथ चेंज होने वाली है, आप 25 साल पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो वो तो बहुत जरूरी है कि आपको सीखना ही है, और कब तक करना है ये, जब तक आप इस फील्ड में काम करना चाहते हैं या आपका रोल ऐसा है जहां आपको टेक्निकली इन्वॉल्व होना है। आईटी में कई रोल्स ऐसे भी होते हैं जहां आपको टेक्निकली इन्वॉल्व होना ही नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल देखें, उनके चैलेंजेस अलग है, उन्हें क्लाइंट हैंडल करना है, एस्टिमेशन देखना है, सब कुछ करना है, उसमें भी उनको थोड़ा सा टेक्निकल पता होना चाहिए, लेकिन प्रोग्रामिंग के लेवल तक नहीं। तो अगर आपका वो गोल नहीं है तो आपको नई लैंग्वेजेस या नए स्किल्स सीखना ही पड़ेंगे। जैसे मैंने मेरे इंट्रो में बताया था कि 6 to 7 months ago I started with big data, and at this age and after so many years again I had to start from zero. That what is big data? What is Hadoop? I had to start from there. अगर आज कोई हमारे व्यूअर, कोई यंग व्यूअर होगा जो अभी कॉलेज से निकला होगा और वो बिग डेटा करना चाहता है या 6 महीने से कर रहा होगा, तो वो और मैं एक ही जगह पे, तो और इसमें कोई शर्म की बात नहीं। अगर मैंने बिग डेटा 6 महीने पहले शुरू किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, बॉटम लाइन इज दिस कि आपको सीखना पड़ेगा, आपको नई नई चीजें करते रहना पड़ेगी। दूसरा क्या होता है, अगर आप सर्विस लेवल सर्विस बेस्ड कंपनीज में है तो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है ये आप नहीं बता सकते पहले से। अगर ठीक है, उनका जो टेक्नोलॉजिकल स्टैक चाहिए कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, उसमें से आपको 4 चीजें आती हैं और 3 नहीं आती हैं, तो आपको 3 सीखनी पड़ेगी। तो कई बार टाइम मिलता है, कई बार टाइम नहीं मिलता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट इज वेदर यू आर ओपन टू लर्न और नॉट। आपको एक्सपर्ट नहीं होना, लेकिन आपको एक वर्किंग लेवल तक, इंटरमीडिएट लेवल तक आना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, और मैं तो हमेशा लोगों से यही कहता हूँ कि ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें लर्निंग आपको करनी ही नहीं पड़ती। मतलब आपको हर फील्ड में लर्निंग करनी पड़ती है, सिर्फ बात इतनी सी है कि इस पर्टिकुलर फील्ड में जो चेंजेस हैं उसको लर्न करने में को आप एंजॉय कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। मैं तो कभी ये नहीं कहता कि सभी लोग आईटी सेक्टर में आ जाओ। अगर आपको लग रहा है कि ये इस काम में मजा नहीं आ रहा, ये जो नई नई टेक्नोलॉजी बदल रही है, इसमें चेंजेस हो रहे हैं, मजा नहीं आ रहा, तो आप फील्ड जरूर स्विच कर सकते हो, लेकिन उस फील्ड में भी किसी ना किसी तरह के एडवांसमेंट होंगे, आपको उसको लर्न करना पड़ेगा। हो सकता है आप उसको एंजॉय करो तो वो फील्ड चूज कर लो, क्या दिक्कत है? अल्टीमेटली आपको मजा तो आना ही चाहिए क्योंकि जिंदगी आप उसी के साथ गुजारने वाले हो। बिल्कुल सौरभ, आपने बिल्कुल सही कहा कि नई लैंग्वेज भी अगर हमको सीखनी पड़ रही है, अगर मैं प्रोग्रामिंग की ही बात करूं, तो आप पहले ये देखिए व्हाई, ये मुझे क्यों सीखना है। अगर आप उसका आंसर दे सकते हैं और अगर आपको वो चैलेंज करता है जो करेगा ही आपको, आपको कोई भी नई लैंग्वेज सिर्फ इसलिए नहीं आई है कि एक ही चीज के 4 वर्जन्स नहीं है। हर नई लैंग्वेज, हर नया फ्रेमवर्क एक नई प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। फॉर एग्जांपल, जब स्प्रिंग आया था तो उसने इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल लेके आया, इट वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट। तो आप वो सीखिए, आप ये मत सीखिए कि आपको एक, आप ये मत सोचिए कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक नया फ्रेमवर्क सीखना है। यू आर लर्निंग अ होल न्यू वे ऑफ प्रोग्रामिंग। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल किसी ने सोचा ही नहीं था, किसी ने सुना ही नहीं था, जब वो आया तो वो नई चीज है। स्प्रिंग तो एक टूल है जो उसको इम्प्लीमेंट करवा रहा है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट कितना इंटरेस्टिंग है, तो उसको सीखने, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कुछ स्किल सीखनी पड़ रही है तो उसका टेंशन मत लीजिए। आप ये सोचिए कि आपके रेपर्टोर में कुछ ऐड होने वाला है, आपके नॉलेज में कुछ बढ़ने वाला है, और लैंग्वेज उसका एक टूल मात्र है, बस उसको एंजॉय करिए। और वो एक है भी ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो थ्योरी है,
अगर आप अपने आसपास हो रहे चेंजेस को एक्सेप्ट करने की बजाय रिपेल करते हैं, आप उसका अपोज करते हैं, तो इससे वो बदलाव होना रुक नहीं जाएंगे, वो तो होंगे, लेकिन आप पिछड़ जाओगे और आपके सर्वाइवल की दिक्कत हो सकती है। जैसे अगर हम इसके अलावा दूसरे एग्जांपल्स भी लें, तो मैं देखता था कि जब ये अमेजोन और ये जितने भी ऑनलाइन ई शॉपिंग वाली वेबसाइट्स आई, मार्केट चेंज हो रहा था, तो बहुत सारे शॉपकीपर्स बोल रहे थे कि ये बहुत बुरा हो रहा है, हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, और हमारे से कोई सामान नहीं खरीदेगा और हमें उतने डिस्काउंट्स नहीं दे पाते हम लोग वो चीजें। तो मैं हमेशा ऐसे किसी से मिलता था तो मैं उससे बोलता था कि आप किससे कंप्लेन कर रहे हो, मेरे से? मैं इस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकता, पहली चीज, और दूसरा आप कंप्लेन ही कर रहे हो, इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हो, तो आप जीवन भर कंप्लेन करोगे, एक दिन दुकान चलना आपकी बंद हो जाएगी, अब क्या करोगे आप? तो रोने की बजाय ये है कि आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लो। और कई लोगों ने किया, उन्होंने अपना सामान अमेजोन पे भी बेचना स्टार्ट कर दिया, उनकी रिटेल भी है और ऐप। तो यू जस्ट एक्सेप्ट द न्यू थिंग्स ना, तो वैसे ही इसके साथ भी चैलेंजेस हैं। और मुझे तो बड़ा मजा आता है अमित, मैं फ्रैंकली बताऊं, मैं क्योंकि टीचिंग वाली फील्ड में हूँ, तो मुझे तो कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ता, मजबूरी भी है, मतलब वो नहीं सीखूंगा, अप टू डेट नहीं रहूंगा तो पढ़ा नहीं सकता, लेकिन मैं उसको इंजॉय करता हूँ, वो जो नया पढ़ना होता है उसको इंजॉय करता हूँ। तो आई एम श्योर कि कोई भी, जैसे आप हैं, अपनी फील्ड में अगर अच्छा एक्सेल कर पा रहे हैं, तो ओनली बिकॉज कि आपको वो नई चीजें सीखने में मजा आता है। सो इट इज नॉट अ बर्डन, इट इज अ मैटर ऑफ एंजॉयमेंट। तो अच्छा, आपको क्या ड्राइविंग फोर्स है, आपके लिए क्या इम्पेटस है जो आपको मोटिवेट करता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए? बहुत सारी चीजें हैं कि देखिए, एक शुरू में, अगर मैं बोलूं तो, जब शुरू में हम आईटी या किसी भी जॉब में आते रहते, तो हमारा इम्पेटस होता है पैसा, उसके बाद होता है पोजीशन, उसके बाद हो जाता है शायद नॉलेज। तो अभी मैं ये तीनों लेवल से आगे जा चुका हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे दुनिया भर का नॉलेज आ गया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अब मुझे कोई गुरु अपने, अभी जो मुझे मोटिवेट करता है वो है नए चैलेंजेस। आई लुक फॉर न्यू चैलेंजेस। जैसे अगर मैं चाहता तो जावा में कंटिन्यू कर सकता था, जावा रिलेटेड कंटिन्यू कर सकता था, अभी मैं रोल प्ले कर सकता था, कभी डिजाइनर तो कभी सीनियर प्रोग्रामर तो कभी आर्किटेक्ट, आई कुड हैव डन दैट। लेकिन आई थॉट कब तक जावा या जावा रिलेटेड चीजें कब तक, लेट्स डू समथिंग न्यू। तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस थे, एआई था, बिग डेटा था, क्लाउड तो खैर आजकल हर चीज में है ही, तो यू कैन नॉट अवॉइड क्लाउड, यू एनीवेज गेट टू नो इट, या डेवऑप्स रिलेटेड चीजें हैं, ये आपको आजकल आपके स्किल में होने ही चाहिए। तो नया चैलेंज जो होता है ना, आप अगले 6 महीने देखते हो तो आप ये देखना चाहते हो कि मैं क्या सीखूं, मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूंगा, मेरी मेरा किसी किसी जॉब में, किसी रोल में होने का महत्व क्या है, ये मुझे अब मोटिवेट करता है। लेकिन चूंकि मैं मानता हूं कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स अभी मेरे या इतने एक्सपीरियंस नहीं होंगे, तो उनके तब जैसे नई नई स्किल्स, जिस जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा था कि नई स्किल्स सीखनी पड़ती है तो क्या होता है, तो सीखनी पड़ती नहीं, आप सीखना चाहते हो। मैं चाहता था सीखना कि अगर स्ट्रट्स आया है तो ठीक है, स्ट्रट्स है, क्या कर रहा है, ओके, वो एमवीसी के एमवीसी इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो, मोर एफिशिएंटली कर सकते हो, एप्लीकेशन को बेटर मैनेज कर सकते हो। तो वो मोटिवेशन होता था शुरू में, तो पैसा ही था कि आईटी में जा रहा हूँ तो पैसा मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिला। जैसे मैंने कहा, मैं गया तो मुझे समझ में आया कि पहले स्किल्स बनाने, तो वो मोटिवेशन आया कि पहले स्किल्स बनाऊंगा, फिर पैसा फॉलो करता है, फिर आप जैसे एक्सपीरियंस होते जाते हो, आप परफॉर्म करते हो, तो आपके डेजिग्नेशन चेंज होते जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आपको कुछ ना कुछ चैलेंज आपके सामने चाहिए, यू शुड ऑलवेज हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू कि मुझे वहां तक पहुंचना है, और जब आप वहां पहुंच जाते हो तो आपको कुछ नया ढूंढना है। तो वो सेम फील्ड में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आज मैं प्रोग्रामर हूं तो कल मैं फोटोग्राफर बन जाऊं, परसों मैं कुछ और बन जाऊं, वैसे नहीं। हमारे ही फील्ड में हमें कुछ ढूंढना पड़ेगा जिससे हम एक अपवर्ड डायरेक्शन में जा सके कंटिन्यूअसली। ग्रेट ग्रेट। तो सभी लोगों के, सभी लाइफ के अपने अपने फेजेस में कुछ ना कुछ गोल सेट होते हैं, और उसको अचीव करने के लिए हम जी जान लगाते हैं, और यही तो जिंदगी है, यही तो करना है हमें बेसिकली, और कुछ तो है भी नहीं। अगर हम कोई गोल ही नहीं होगा हमारा, मुझे तो वो लाइन बहुत इंस्पायरिंग लगती है हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम जी की, कि जिस व्यक्ति का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है वो अपराधी है। इतना मतलब, वो मुझे अभी भी याद है, न्यूज़पेपर में जब वो प्रिंट हुई थी वो बात, तो
मेरे दिमाग से वो जहन से निकलता ही नहीं है, वो हेडिंग मेरे दिमाग में छपी हुई है, मैं अभी भी बता सकता हूँ कि वो न्यूज़पेपर में किस जगह पर प्रिंटेड थी। और यकीनन हर इंसान को अपने अपने स्तर पे, जरूरी नहीं है कि वो क्या काम कर रहा है, जरूरी नहीं कि हर इंसान को बॉर्डर पे जाके ही लड़ना है, आप जो भी अपना काम कर रहे हो बेस्ट कर रहे हो, फिर आप पान की दुकान ही क्यों ना लगा रहे हो, लेकिन उसमें आपने अगर बेस्ट करा है और आप उसको एंजॉय कर रहे हो तो आप भी खुश हो और आप कुछ वाकई में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो। तो डेफिनेटली ये बहुत इंस्पिरेशनल बात है। माय सर जी के दर्शक जो हैं वो एक अलग तरह का तबका है, क्योंकि हम हिंदी में कंटेंट लेकर आते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, तो एक अलग तरह का ऑडियंस है। इन लोगों को आप क्या अपनी तरफ से मैसेज देना चाहते हैं, एक ऐसा मैसेज जो इन लोगों के लिए अभी काम करे, ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं। देखिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि आपने किसी भी स्ट्रीम में पढ़ाई की हो, चाहे आपने बी किया हो या बीसीए एमसीए किया हो या आपने किसी और ही फील्ड में करके आप प्रोग्रामिंग में आए हो, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में और रियल वर्ल्ड में थोड़ा गैप है। तो मैं सजेशन ये दूंगा कि आप थोड़ा सा देखिए कि क्या आजकल मार्केट में चल रहा है, और सिर्फ जॉब पाने के लिए नहीं, देखिए कि कौन सी टेक्नोलॉजीज आज प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं। हम एआई की बात करते हैं, हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं, हम हडूप बिग डेटा की बात करते हैं, हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं, तो हमें नहीं आता होगा ये सब चीजें, दैट इज टोटली ओके। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है कि ये चीजें क्या है, दैट इज नॉट राइट। तो हमें ये मालूम होना चाहिए जब आप इंटरव्यू में जाते हो, क्योंकि मैं कैंपस इंटरव्यूज खुद भी लेता हूँ और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक फाइनल ईयर कंप्यूटर साइंस या आईटी के स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि ब्लॉकचेन क्या है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है या क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो और इसका मतलब ये नहीं कि आप 25 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख लेंगे तो ही आप आईटी के लिए प्रिपेयर्ड है, बिल्कुल नहीं। आप एक भी अगर अच्छे से सीखते हैं तो यू कैन लर्न अदर वंस वेरी इजीली, और सौरभ सर आपको ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, ही नोज आई डोंट नो हाउ मेनी लैंग्वेजेस। तो मैं यही बोलूंगा कि अवेयर रहिए, देखिए क्या चलता है, आँख कान नाक जैसे बोलते हैं खोल के रखिए और अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कीजिए। तो आपको बहुत कुछ लेके नहीं जाना है, आप स्किल लिमिटेड हो सकती है, लेकिन आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि दुनिया कहाँ जा रही है, एंड दीज थिंग्स हेल्प अ लॉट। बाकी सॉफ्ट स्किल्स तो सौरभ सर आप बताते ही हैं कि एफटी के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, एटीट्यूड कैसे रखना है, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, मैंने आपके कई वीडियोस देखे हैं मोटिवेशनल स्पीचेस के, तो जैसे आपने बताया ही है। तो मेरी तरफ से मेरा यही एडिशन है कि हमारे एजुकेशन में और रियल लाइफ में बहुत गैप है, तो वो कवर करना बहुत जरूरी है। ये लास्ट लाइन मुझे बहुत अपील कर रही है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में और रियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है जब आप, और हमें उसके लिए पैरेलल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, अदरवाइज़ हम ये सोचें कि हमें कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है हम उसके भरोसे बैठे हुए हैं और अच्छा कुछ करियर बन जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। हमें पैरेलली एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और जितनी जल्दी आप डालना शुरू कर दें, फिर वो चाहे प्रोग्रामिंग स्किल सीखने से रिलेटेड हो, अवेयरनेस की प्रॉब्लम, क्योंकि आपने जैसे बोला सबसे पहले तो अवेयरनेस पहली स्टेप है कि अगर इंसान को पता है कि उससे क्या ऑप्शन है, उसके पास क्या क्या वो कर सकता है, तब तो वो किसी ऑप्शन को एक्सपेरिमेंट करेगा। तो मुझे लगता है कि आज आपसे बातचीत करने के बाद माय सर जी के दर्शकों को अच्छा लगा होगा। बहुत सारे लोग ये हमेशा जानना चाहते हैं कि जो आईटी वर्ल्ड में लोग 10-10, 15-15 साल काम कर चुके हैं, उनके लिए कैसा माहौल होता है, तो आज उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, आई एम श्योर उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, और मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। कुछ भी ऐसा मीनिंगफुल, कुछ अच्छा क्वेश्चन ऐसा लगेगा जिसका आंसर करना चाहिए, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमित जी से कि वो इस वीडियो के अंत पे जो कमेंट सेक्शन है उसको कभी टाइम मिले तो आप देखिएगा, और उसमें जिस किसी को भी रिप्लाई करना चाहे आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके, और उम्मीद करते हैं आगे भी हम कभी ना कभी इस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ जुड़ेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू फॉर कमिंग। नो प्रॉब्लम।